नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर राजस्थान की खास खबरों पर। अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता को उनका लोकतांत्रिक हक प्रयोग करने दें। राजस्थान में मानसून मेहरबान, मौसम विभाग ने 9 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2-3 दिनों में राजस्थान के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। जयपुर में हाईकोर्ट के पूर्व जज से 2 लाख की ठगी, फर्जी अधिकारी ने मोबाइल सिम का बहाना बनाकर धमकाया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा राजस्थान को बनाएंगे सोलर उपकरणों की असेंबलिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग का हब। जारी रहेगी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की पुष्टि। मैग्नस हॉस्पिटल को CMHO का नोटिस, नए मरीजों की भर्ती पर लगाई रोक, 5 दिन में मांगा जवाब। भरतपुर में कृपाल गैंग रच रही थी कुलदीप गैंग के लोगों की हत्या की साजिश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और बजट को लेकर हुई चर्चा। भरतपुर में भरभरा कर गिरा दुकान का छज्जा, एक बाइक और साइकिल दबी, मलबे में कोई हताहत नहीं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस ट्रेलर में घुसी, पति पत्नी और बेटे की मौत, नाबालिग का पैर कटा, 11 की हालत गंभीर। भरतपुर में देर रात चोरों ने 3 दुकानों के चटकाए ताले, लाखों रुपए का सामान और नकदी चोरी कर ले गए अज्ञात चोर। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी। पूर्व मंत्री गोलमा देवी बोली डॉक्टर साहब को कोई लोभ नहीं, वादा पूरा कर इस्तीफा दे दिया, वापस नहीं लेंगे। बयाना में मलबा टैंकर माफियाओं ने प्रशासन के निर्देशों को दिखाया ठेंगा, प्रशासन की रोक के बावजूद माफियाओं ने आम रस्तों पर स्टोन कटिंग का मलबा फैलाया, ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी। एलन कोटा में निशुल्क कोचिंग के लिए हुई शिक्षा संबल प्रवेश परीक्षा, उत्तर भारत के 7 राज्यों के 65 परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने दिया एग्जाम। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक आयोजित, मानसून में आवश्यक व्यवस्था एवं वृक्षारोपण पर किया विचार विमर्श, स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। बांसवाड़ा के अनास नदी में डूबने से 2 बहनों और सहेली की मौत, मवेशी चराने गई थी 4 बालिकाएं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।